हेलो, माय नेम इज भरत, आई एम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूज ऑफ बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे हम उनका यूज करेंगे। जैसे कि ये प्रिंट आउट है जो मैंने साइबर कैफे से निकलवाया था, तो ये सारे बेसिक्स हैं। और ये है हेक्टो पेपर जिस पे हम स्टेंसिल करेंगे। तो मेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपने प्रिंट है वो ऊपर रखना है और हेक्टो पेपर नीचे रखना है। अब जैसे कि मैं ये वाला पैटर्न ड्रॉ करूंगा, तो ये वाले पैटर्न के लिए आपको लाइनिंग करना है इस खाली इस पे। जैसे ही इसमें मैं लाइनिंग करता जा रहा हूं मैं, तो ये सीधा पीछा एक इम्प्रिंट कर देगा ये चीज। जैसे कि मैंने लाइनिंग कर ली और ये चीज पीछे आ गया। अब सेकंड क्या काम होगा हमारा कि इसको कट करना। ये है स्किन पैड। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसे खाली प्रैक्टिस करने के लिए यूज करते हैं, और ये सिलिकॉन बेस्ड रबड़ होती है। तो और ये है लॉक्स। लॉक्स लेके उसके बाद जो हमने स्टेंसिल कर रखी है उसको हम यहां पे पेस्ट करेंगे और हल्का हल्का टैप करेंगे। फिर थोड़ी देर उसको सूखने देंगे, उसके बाद हम इस स्टेंसिल को रिमूव करेंगे। उसके बाद देख सकते हो हमारा ये प्रिंट आ चुका है यहाँ पे। अब जैसे ये स्टेंसिल हो गई है, इसके लिए मैं पेन मशीन यूज करूंगा और उसके बाद ये थ्री आलिया कार्ट्रिज यूज करूंगा। इसको मैं आराम से इसके अंदर प्लग कर दूंगा। जैसे ये मशीन मेरी हो गई रेडी, उसके बाद हमें क्या काम करना है, ब्लैक इंक लेनी है। और ये है इंक ट्रे और ये है कैप। उसके बाद हम अब हम इसमें डिप करेंगे निडल को इंक में। उसके बाद टिश्यू पेपर से हल्का सा इंक को निकाल लेंगे। उसके बाद जहां आपने स्टेंसिल करी है उसको हल्का टैप टैप करके उसके बाद लाइन बनाना हम ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसे बनाना है, बिल्कुल अपने हाथ को इजी वे में रखना है, मतलब बहुत स्लोली स्लोली चलाना है। जैसे कि हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इसके बाद अब जैसे मैंने ये वैसलीन ले ली, उसके बाद हम इसको रब करेंगे। और जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो बात होगी वो इस कार्ट्रिज निडल और ट्रेडिशनल निडल के बारे में हम बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बहुत सारे पैटर्न है, जैसे क्रोम हो गया, बिल्ली हो गई और ये सब चीज़ है, तो इसके इसमें ज़्यादा फिलिंग वर्क है, तो ये फिलिंग वर्क भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें। थैंक यू। अगर आज आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में समझ नहीं आया, तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा।